हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं एलिफेंट कॉरिडोर इन इंडिया के बारे में। हाल ही में एक न्यूज़ आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 62 नए एलिफेंट कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया है। आइए डिटेल में न्यूज़ देख लेते हैं। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 62 नए एलिफेंट कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया है और इसी के साथ जो टोटल एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उनका नंबर हो जाता है 150। एक्चुअल में जो रजिस्टर्ड एलिफेंट कॉरिडोर्स थे इनका नंबर सिर्फ और सिर्फ 88 था और ये 2010 के बाद से बढ़ा नहीं था। आइए अब डिटेल में समझते हैं एलिफेंट कॉरिडोर होता क्या है, क्या इसके यूजेस हैं, क्या सिग्निफिकेंस हैं और ये नए जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं जिसे गवर्नमेंट ने रिसेंटली आइडेंटिफाई किया है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिफेंट कॉरिडोर होता क्या है। अब एलिफेंट्स एक्चुअल में फॉरेस्ट में रहते हैं, ये एक फॉरेस्ट एरिया है, ये दूसरा फॉरेस्ट एरिया है। अब इन दो फॉरेस्ट एरिया के बीच की मूवमेंट बहुत ही फ्री रहे और इसे फैसिलिटेट किया जा सके एलिफेंट्स के लिए, तो यहाँ पर एक छोटा सा लैंड का स्ट्रिप जो होता है इन दो फॉरेस्ट एरियाज को कनेक्ट करता है और यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस काफ़ी कम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के चलते ऑलरेडी ये दो फॉरेस्ट एरिया जो हैं ये सेग्रीगेट हो चुके हैं, बट गवर्नमेंट को एलिफेंट की मूवमेंट के लिए एलिफेंट कॉरिडोर्स को लाइक एलिफेंट कॉरिडोर के आइडिया के साथ में आना पड़ा। और एक्चुअल में क्योंकि ये दो फॉरेस्ट एरिया जो हैं ये सेग्रीगेटेड हैं ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एज वेल एज ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो और कोई रास्ता नहीं बचता है। तो बेसिकली एलिफेंट कॉरिडोर एक नैरो स्ट्रिप होता है लैंड का जो दो फॉरेस्ट एरिया को कनेक्ट करता है और उसका मेन पर्पज़ होता है एलिफेंट्स की मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करना इन दोनों फॉरेस्ट एरिया के बीच में। अब कई बार क्या होता है ड्राई सीजन के लिए, मतलब ड्राई सीजन में एक्चुअल में वेजिटेशन की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कमी हो सकती है जिसके चलते एलिफेंट्स कई बार दो फॉरेस्ट एरिया के बीच में मूव करते हैं और इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करने का जो काम करता है ये करता है एलिफेंट कॉरिडोर। रीज़न बीइंग जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है और ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ता चला जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दो फॉरेस्ट एरिया जो हैं ऑलरेडी सेग्रीगेटेड हैं और इस वजह से दो फॉरेस्ट एरिया के बीच की जो मूवमेंट है ना एनिमल्स की वो काफ़ी हद तक रुक जाती है। इस मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए और स्पेसिफिकली एलिफेंट्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट केम अप विद द आइडिया ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर। तो ये हमने बात की एलिफेंट कॉरिडोर की। अब बेसिकली ये आता कैसे है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जिस भी पर्टिकुलर लोकेलिटी में, जिस भी पर्टिकुलर रीजन में स्टेट गवर्नमेंट्स ये नोटिस करती हैं कि यहाँ पर एलिफेंट की मूवमेंट है और इस एरिया को एलिफेंट कॉरिडोर डिक्लेयर किया जा सकता है, तो वो इसे रिपोर्ट कर देती हैं। बेसिकली इट इज़ रिपोर्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, अपने जो वेरिफिकेशन मेथड्स हैं ना उन्हें यूज़ करके और उस रीजन को वेरीफाई करती है, उस स्ट्रिप ऑफ लैंड को वेरीफाई करती है कि क्या जेन्युइनली इस पर्टिकुलर स्ट्रिप ऑफ लैंड को एलिफेंट्स अपनी मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और अगर वो इस लैंड को पर्टिकुलरली अपनी मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट इसे एलिफेंट कॉरिडोर डिक्लेयर कर देती है। अब स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने कॉरिडोर्स हैं एलिफेंट्स के और कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं ये, तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि सबसे ज़्यादा इंडिया में जो एलिफेंट कॉरिडोर्स लोकेटेड हैं वो हैं इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में लगभग 26 यानी कि 26 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं और टोटल एलिफेंट कॉरिडोर्स का अगर परसेंटेज देखा जाए तो लगभग 17% एलिफेंट कॉरिडोर्स सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ही हैं। सेकेंडली ईस्ट सेंट्रल इंडिया यानी कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पर 52 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन में टोटल 48 कॉरिडोर्स हैं। साउथ इंडिया की बात करें तो जो चारों मेजर स्टेट्स हैं उन्हें मिलाकर 32 कॉरिडोर्स हैं और नॉर्थ इंडिया में सिर्फ 18 कॉरिडोर्स हैं यानी कि 18 कॉरिडोर्स हैं। तो अगर हम स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो स्टेट है, जिस स्टेट में बेसिकली सबसे ज़्यादा एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं वो है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल,
और अगर हम रीजन वाइज बात करेंगे तो ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा है, दैट इज 42, इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और जो लोएस्ट एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में हैं, जैसे कि यूपी, राजस्थान, हरियाणा, ये सारे जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं यहाँ पर सबसे कम एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। अब कॉरिडोर का क्या यूसेज है और इस पर कोई रिपोर्ट है या नहीं, तो इस पर अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एलिफेंट कॉरिडोर्स का जो यूसेज है ना ये 40% तक बढ़ा है, स्पेसिफिकली 15 एलिफेंट रेंज स्टेट्स में, यानी कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, जिन 15 स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन है वहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर्स का जो यूसेज है ना कंपैरेटिवली 40% यानी कि 40% तक बढ़ा है। हालांकि सिर्फ बढ़ा ही नहीं है हर कॉरिडोर में, लगभग 29 कॉरिडोर यानी कि 29 एलिफेंट कॉरिडोर्स ऐसे हैं जिनका यूसेज कंपैरेटिवली कम हुआ है, और कुछ एलिफेंट कॉरिडोर्स को रिस्टोरेशन की भी ज़रूरत है, यानी कि वहाँ पर थोड़ा बहुत ह्यूमन इंटरफेरेंस है जिसके वजह से एलिफेंट्स ने उस पर्टिकुलर कॉरिडोर को यूज़ करना कम कर दिया है और वहाँ पर रिस्टोरेशन की ज़रूरत है। अब हमने रिसेंटली जो न्यूज़ देखी कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली नए एलिफेंट कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? एक्चुअल में पहली चीज़ हमने ये देखी कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15 मेजर एलिफेंट पॉपुलेशन जिन स्टेट्स में है, लाइक जो 15 स्टेट्स हैं जहाँ पर मेजॉरिटी एलिफेंट पॉपुलेशन रहती है, स्टे करती है, ऐसे 15 स्टेट्स में एलिफेंट कॉरिडोर का जो यूसेज है कंपैरेटिवली 40% ज़्यादा है। तो पहला तो ये चीज़ हम देखते हैं कि एलिफेंट कॉरिडोर्स का यूसेज बढ़ रहा है, मींस कि अगर ऑल एलिफेंट कॉरिडोर डिक्लेयर किए जाते हैं तो शायद वो भी एलिफेंट्स यूज़ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पास्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो डेजिग्नेटेड या फिर जो डिक्लेयर्ड एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उनका यूसेज 40% तक बढ़ गया। तो पहला पॉइंट तो आता है कि जब कॉरिडोर यूसेज बढ़ रहा है तो हमें और नए कॉरिडोर्स भी डिक्लेयर कर देने चाहिए। दूसरा जो इशू है वो ये है कि स्पेसिफिकली महाराष्ट्र का जो विदर्भा रेंज है और महाराष्ट्र कर्नाटका का जो बॉर्डर है सदर्न महाराष्ट्र में, यहाँ पर स्पेसिफिकली एलिफेंट्स ने अपनी रेंज को बढ़ाया है, उनकी जो मूवमेंट है उसकी जो रेंज है वो बढ़ी है। अब एलिफेंट्स का क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि एक सर्टेन फॉरेस्ट एरिया में दे रोम अराउंड फ्रीली, ये एक सर्टेन फॉरेस्ट एरिया में घूमते रहते हैं आराम से, बट कई बार क्या होता है कि सर्टेन फॉरेस्ट एरिया से थोड़ा बाहर भी निकल जाते हैं, तो इस तरीके से इनके एरिया का एक्सपेंशन होता है, और एक बार सर्टेन एरिया में इनका आना जाना शुरू हो गया तो फिर ये वहाँ आते जाते रहते हैं। तो सेम चीज़ हुई है महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन में एज वेल एज महाराष्ट्र कर्नाटका का बॉर्डर यानी कि सदर्न महाराष्ट्र में, जहाँ पर एलिफेंट्स ने अपनी रेंज को थोड़ा सा एक्सपैंड किया है, उनकी जो मूवमेंट है फॉरेस्ट एरिया से थोड़ा सा जहाँ तक पहले देखी गई थी उससे आगे तक देखी जा रही है। तो ये जो एक्सपेंशन है इसकी वजह से भी गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट ना हो इससे पहले हम एलिफेंट कॉरिडोर्स डिक्लेयर कर दें और दो पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया के बीच में जो एलिफेंट्स की मूवमेंट है उसे इजी किया जा सके, उसे फैसिलिटेट किया जा सके। ये दो रीजंस थे इसीलिए गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में एलिफेंट कॉरिडोर्स जो नए आइडेंटिफाई किए हैं उनके ये दो रीजंस हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश एंड नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में एलिफेंट के जो नंबर्स हैं वो बेसिकली बढ़े हैं, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है। आइए अब बात करते हैं एलिफेंट के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि इंडिया में जो एलिफेंट की स्पीशीज़ मिलती है दैट इज़ एशियन एलिफेंट। अब इंडिया में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एलिफेंट और नेचुरल हेरिटेज एनिमल भी है इंडिया का एलिफेंट। इसके बाद इंडिया में वाइल्ड एशियन एलिफेंट जो है, जो स्पीशीज़ इंडिया में मिलती है दैट इज़ एशियन एलिफेंट्स, ये काफ़ी अच्छी तादाद में है, और इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 30,000 से भी ज़्यादा वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स इंडिया में मिलते हैं। अब स्टेट वाइज अगर हम डेटा देखें तो स्टेट वाइज एलिफेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा ये कहता है कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज के अकॉर्डिंग अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग स्केड्यूल 1 में आता है हमारा एलिफेंट। IUCN रेड लिस्ट के कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो जो इंडिया में स्पीशीज मिलती है दैट इज एशियन एलिफेंट, इट इज डेजिग्नेटेड एज एंडेंजर्ड।
सेकेंडली अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट को क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिजिग्नेट किया गया है. अफ्रीकन सवाना एलिफेंट को एंडेंजर्ड डिजिग्नेट करती है IUCN रेड लिस्ट. तो बेसिकली एशियन एलिफेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इट इज एंडेंजर्ड, क्योंकि इंडिया में यही स्पीशीज मिलती है. अब कंजर्वेशन एफर्ट्स की अगर बात की जाए तो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे काफ़ी सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं. और ये जो हमने देखा कि वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन इंडिया में 30,000 से भी ज़्यादा है, ये कुछ एफर्ट्स के चलते ही पॉसिबल हो पाया है. तो उन एफर्ट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं. इंडिया में जो इनिशिएटिव्स हैं वो है गज यात्रा प्रोजेक्ट एलिफेंट. इसके बाद ग्लोबल लेवल पे जो इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं दैट इज माइक प्रोग्राम एज वेल एज वर्ल्ड एलिफेंट डे. अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, बिकॉज ये प्रोग्राम बेसिकली जहाँ पर भी पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है ना एलिफेंट्स की, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सर्विलेंस किया जाता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं ऐसे सर्टेन एरियाज में, जिससे कि इलीगल किलिंग को मॉनिटर किया जा सके. इस प्रोग्राम का मेन एम वही है. ये हमारी थी आज की डिस्कशन. हमने देखा कि हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने कुछ नए एलिफेंट कॉरिडोर्स डिक्लेयर किए हैं, और ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये जो पुराने एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उसमें ऐड ऑन करती है, और टोटल एलिफेंट कॉरिडोर्स आर 150 नाउ. ये थी हमारी पूरी आज की डिस्कशन. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.